चुनाव नजदीक आते ही दल बदल की कवायद शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता नजारा फरीदाबाद में दिखाई दिया। फरीदाबाद में जहां बीजेपी पार्टी के एक बड़े नेता बंधीर सिंह मान ने पार्टी की नीतियों से आहत होकर पार्टी का दामन छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया, वही रैली निकालकर और मंधीर सिंह मान को नीली पगड़ी पहनाकर बहुजन पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर तीन प्रदेशों में प्रभारी डॉक्टर मेघराज ने कांग्रेस केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी के देश की जनता से किए सभी वायदे झूठे निकले, न तो महंगाई कम हुई, न तो कश्मीर से पत्थरबाजी का सिलसिला। अब देश और बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। आज के कार्यक्रम हमारा यहाँ पर मनदीप सिंह मान जो मंधीर सिंह मान जो बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, वो उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में उनको शामिल किया गया है। उनका आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल कार्यक्रम था और जो है ऐसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। मुझे बसपा में आदर सम्मान और मान मिला है, क्योंकि मुझे बीजेपी में हमेशा धोखे ही मिलते आए थे। मैंने बीजेपी के लिए बहुत मेहनत की थी, 1 लाख के लिए मैंने अकेले ने अपने दम पे फरीदाबाद में करके दिखाई थी, जिससे पलवल तक का जाम था, जिसमें बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। हमारे बीजेपी के खुद नेताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने भी रोकने की कोशिश की थी। उनको पता था कि कहीं मुझे मौका मिल जाएगा तो उनको कभी उनका नंबर नहीं आएगा। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।